हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पे MIUI 14 कंट्रोल सेंटर की न्यू लीक यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइनली MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड एक न्यू लीक्स यहाँ पे निकल के आ रही है। आपको पता है कि MIUI 13 में ही कंट्रोल सेंटर यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले MIUI 12 में चेंज हुआ था, उसके बाद MIUI 12.5 में भी इन्होंने कुछ छोटे से चेंजेस किए थे। अब यहाँ पे MIUI 13 में भी कंट्रोल सेंटर को फुली इन्होंने यहाँ पे रीडिज़ाइन यहाँ पे दे दिया है, और अब यहाँ पे MIUI 14 में भी कंट्रोल सेंटर में हमें कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में MIUI 14 के कंट्रोल सेंटर का फर्स्ट लुक भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ MIUI 14 के कंट्रोल सेंटर का फर्स्ट लुक। तो आपको पता है कि MIUI जो है, यानी कि Xiaomi कंपनी ने MIUI 12 में हमें न्यू कंट्रोल सेंटर दिया था, जो कि बिल्कुल टोटली यहाँ पे हमें बिल्कुल डिफरेंट कंट्रोल सेंटर एज़ कंपेरिजन टू MIUI 11 देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे MIUI 12 में टोटली इन्होंने कंट्रोल सेंटर हमारा चेंज कर दिया था। उसके बाद 12.5 में भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने यहाँ पे किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे MIUI 12.5 का कंट्रोल सेंटर है, और आपको यहाँ पे जो ये डाटा यूसेज है केवल चाइना रूम में ही देखने के लिए मिलेगा। MIUI 12 में आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से मिलता है, और 12.5 में जब आप यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो आपका वो MIUI 12.5 का कंट्रोल सेंटर बन जाता है। और MIUI 13 में आप यूज़ कर ही रहे होंगे, उसमें भी आपको टोटली चेंज मिल जाता है कंट्रोल सेंटर में। तो अब यहाँ पे MIUI 14 कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड भी कुछ लीक्स निकल के सामने आ चुकी है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सिंपली मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, टेक मुकुल ऑफिशियल। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ आपको सिंपली मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, फ़ोन अपडेट्स लीक्स ऑफ अपडेट्स एंड टेक। तो आपको सभी डिवाइसेस जितनी भी कंपनीज हैं, सैमसंग हो गया, रियलमी हो गई, शोमी हो गया, आपको सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहीं पर ही देखने के लिए मिलेगी। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ न्यू कंट्रोल सेंटर का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से मिलता है। आपको यहाँ पर सिम का ट्रे मिलेगा, यानी कि आप यहाँ से अपनी सिम को एक्टिवेट कर सकते हैं, सिम 1, सिम 2। और आपको यहाँ पे वाईफाई का टॉगल मिल जाएगा, आप यहाँ से वाईफाई को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला जो टॉगल है, ये आपको यहाँ पे ब्राइटनेस का टॉगल मिलेगा, और आपको यहाँ पे जो इस साइड में है, ये आपका वॉल्यूम स्लाइडर मिलेगा। आपको MIUI 13 में ही वॉल्यूम स्लाइडर ब्राइटनेस के टॉगल दे दिए हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बस इन्होंने MIUI 14 के कंट्रोल सेंटर में इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया है, बाकी कंट्रोल सेंटर यहाँ पे टोटली MIUI 13 जैसा ही है। कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये यहाँ पे रियल भी हो सकता है, यहाँ पे फेक भी हो सकता है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे 100% रियल है MIUI 14 के कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें पहले MIUI 14 के अपडेट्स में ही मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि अपकमिंग MIUI 14 के अपडेट्स में ही ये हमें मिले, क्योंकि MIUI 13 के अपडेट्स पहले आ चुके थे लेकिन उसमें कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं हुआ था। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अपकमिंग MIUI 13 अपडेट्स में चेंज हुआ था जाकर के, और यही सेम चाइना रीजन के लिए भी अप्लाई हुआ था, ग्लोबल के लिए भी अप्लाई हुआ था, और इंडिया के लिए भी अप्लाई हुआ था। तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से MIUI 14 में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप इस वाले कंट्रोल सेंटर के लिए एक्साइटेड हैं तो अभी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं तरीके की वीडियोस आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने के लिए मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी वीडियो कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड, कि यहाँ पे MIUI 14 का कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।